तो दोस्तों, ये एनिमेशन AI टूल से बनाया गया है, वो भी बिल्कुल आसानी से और फ्री में। तो दोस्तों, ऐसा एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक 3D कैरेक्टर। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के अंदर, और आपको सर्च कर लेना है lesica.art, और आपके सामने Lesica की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे 3D कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे 3D कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। आपको जो भी पसंद आता है उसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप अलग अलग पोज इनका देख सकते हैं और जो भी आपको पसंद आ रहा उसके ऊपर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बस आपको 3D कैरेक्टर ही यहाँ पे दिखाई दे, तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है पिक्सर स्टाइल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करिए और आपके सामने बहुत सारे 3D कैरेक्टर आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोडिंग होने में टाइम ले रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे 3D कैरेक्टर आ गए हैं। आपको जो भी यहाँ पे कैरेक्टर पसंद आता है उसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका 3D कैरेक्टर है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर हमारा डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको क्या करना है कि अपने 3D कैरेक्टर को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, अभी तक हमने अपने 3D कैरेक्टर को डाउनलोड कर लिया है। अब अगर आपको 3D कैरेक्टर जनरेट करना है, तो आप जनरेट के ऊपर क्लिक करके और आपको जैसा भी कैरेक्टर जनरेट करना है वो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखिए और जनरेट के ऊपर क्लिक करिए, तो यहाँ से आप अपना 3D कैरेक्टर भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे पास 3D कैरेक्टर का इमेज आ गया है। चलिए अब हम अपने अगले वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है BeagleAI। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है BeagleAI, और जैसे आप BeagleAI सर्च करेंगे आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट खुल के आएगी BeagleAI की, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी बीगल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गई है। आप देख सकते हैं कि काफी प्यारी सी ये वेबसाइट है। सिंपली आपको यहाँ पे ज्वाइन द बेटा का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद जो BeagleAI का डिस्कॉर्ड सर्वर है उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट इनवाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इसे कैंसिल करना है और कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका डिस्कॉर्ड का एप्लीकेशन है वो खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज अपने ध्यान में रखना है कि आप का डिस्कॉर्ड के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ पे बीगल के सर्वर के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्रिएटर वाले ऑप्शन के अंदर आना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे एनिमेट मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी एक ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों, मान लीजिए ये जो एनिमेट 3 है इसके अंदर हम आ जाते हैं और सिंपली उसके बाद आपको ये मैसेज बॉक्स के अंदर आना है और आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिखना है और उसके बाद आपको एनिमेट लिखना है। दोस्तों, जैसे आप एनिमेट लिखेंगे आपको यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा एनिमेट वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी कैरेक्टर को, जो भी हमने 3D कैरेक्टर डाउनलोड किया था उसका इमेज आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, हमने कुछ 3D कैरेक्टर यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ था, चलिए उनको हम अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ 3D कैरेक्टर यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं, इनको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसको अपलोड करने के बाद अब देखिए जो मोशन है वो बहुत टाइप के होते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मोशन प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा कि आप अपने कैरेक्टर को कौन सा मोशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सप्लोर एवियबल मोशन ऑप्शन एट beagle.ai। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद आपको विजिट साइट के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग मोशन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जो भी मोशन यहाँ से पसंद आता है, आप देख सकते हैं कि
जहाँ पे और भी पेज है तो आप इसके ऊपर भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए मुझे ये वाली जो मोशन है ये पसंद आ गई, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिए और इसका जो प्रॉम्प्ट है वो आप कॉपी कर लेंगे। तो दोस्तों ये कॉपी करने के बाद आपको सिंपली इसे कट कर देना है और यहाँ पे आपको आके फिर से जो आपने कॉपी किया था उसको सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे फॉर टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आपको फाइन ट्यून का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको एंटर क्लिक करना है और जो आपकी वीडियो है वो जो आपकी एनिमेशन है वो यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर था उसके अंदर मोशन आ गई है। चलिए मैं चला के ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हमने अपने 3D कैरेक्टर को यहाँ पे एनिमेट कर दिया है। और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए, आपकी वीडियो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों चलिए अब अपने वीडियो के हम सेकेंड पार्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपके पास कोई भी 3D कैरेक्टर है और आपके पास कोई रिफ्रेंस वीडियो है और आप चाहते हैं कि जो आपका कैरेक्टर है वो जो रिफ्रेंस वीडियो है उसका मोशन अडाप्ट कर ले, मतलब कि जैसा रिफ्रेंस वीडियो के अंदर मोशन है वैसा मोशन आपका 3D कैरेक्टर के अंदर आ जाए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको फॉरवर्ड स्लैश लिखना है और आपको यहाँ पे मिक्स लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिए और अपने इमेज को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम अपने इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो हमने अपने इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने रिफ्रेंस वीडियो को अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने अपने वीडियो को अपलोड कर दिया है और अपने 3D कैरेक्टर को भी अपलोड कर दिया है। और उसके बाद आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ग्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ग्रीन बैकग्राउंड को हटाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आप क्रोमा की का यूज करके इसको आप रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद आपको फाइन ट्यून का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको ऑन कर देना है और उसके बाद एंटर क्लिक करिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और जब आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी उसके बाद हम दिखाते हैं कि हमारी वीडियो कैसी जनरेट हुई है। दोस्तों इसके पहले मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कि जो वीडियो हमने अपलोड किया था वो वीडियो देखने में कैसी है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को आपके लिए चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो यहाँ पे जनरेट होके आ गई है। चलिए ये जो एनिमेशन जनरेट होके आई है वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से जो हमारी रिफ्रेंस वीडियो के अंदर मोशन था वो हमने अपने AI कैरेक्टर के अंदर हमने डाल दिया है और जो हमारा 3D कैरेक्टर था उसके अंदर सेम मोशन आ गया है। और सिंपली आप इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिए और ये वीडियो आपकी डाउनलोड होके आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड इमेज है इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको सिंपली कोई एक वीडियो एडिटिंग टूल को ले लेना है। अभी हम यहाँ पे फिल्मोरा का यूज करने वाले हैं और आप इसके जगह पे VN, काइनमास्टर, कैपकट किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको जो भी बैकग्राउंड इमेज लगाना है उस बैकग्राउंड इमेज को आप यहाँ पे लगा लीजिए और उसके बाद आपको अपने वीडियो को इसके ऊपर आपको लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपने बैकग्राउंड इमेज को लगा दिया है और इसके ऊपर हम अपने वीडियो को लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल का यूज
करें तो वहां पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सिंपली क्रोमा की के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका कैरेक्टर है वो आ गया और जो पीछे वाला ग्रीन कलर का बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया। तो दोस्तों उसके बाद अपने कैरेक्टर को अपने हिसाब से एडजस्ट करिए और चलिए मैं आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूँ।张牙舞爪健身操，祝您健康步步高，绿的。तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने ये वीडियो को जनरेट कर लिया, कितनी आसानी से हमने इस एनिमेशन को जनरेट कर लिया एक एआई टूल का यूज करके और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर एक नए एआई टूल के ऊपर वीडियो लेके आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।